दोस्तों आप उन्हें क्या कहेंगे जिसने मातृभूमि की सेवा के लिए अपने ऐसो आराम की नौकरी ठुकरा दी। दोस्तों आप उन्हें क्या कहेंगे जिसने अपनी साथी के जान के बदले अपनी जान कुर्बान कर दी। दोस्तों आप उन्हें क्या कहेंगे जिसने मात्र 24 साल की उम्र में हम सब भारतवासियों को जीत का जश्न मनाने का मौका दिया। बेशक वो वीरों का वीर परम वीर ही होगा कोई। जी हाँ दोस्तों, आज की दास्ता है सन 1999 में लड़ी गई लड़ाई में अपनी महारत दिखाने वाले भारतीय फौज के एक जाबाज जिसे दुनिया परम वीर कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से जानती है। आज इस वीर गाथा को सुनते हुए आंखें नम तो होंगी लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये बात है आज से करीबन 20 साल पहले 1999 के कारगिल युद्ध की। पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण सरहद पर गर्मा गर्मी का माहौल था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा उन दिनों छुट्टियों में अपने घर पालनपुर आए हुए थे और न्यूगल नदी के किनारे एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। यूं ही बातों बातों में उनके किसी दोस्त ने कहा कि विक्रम, कारगिल में जंग शुरू हो चुकी है, थोड़ा संभल के रहना। लेफ्टिनेंट का जवाब था, तुम फिक्र मत करो, मैं वहां तिरंगा झंडा गाड़ के आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट के आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर। जरा सोचिए, जिसके जुबा पर ऐसे अंगारे थिरकते हो उसके दिलो दिमाग में राष्ट्र प्रेम किस कदर कूट कूट कर भरा होगा। जल्द ही भारत के इस वीर की बायोपिक बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आइए हम आपको हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव पालनपुर में लिए चलते हैं, जहां 9 सितंबर 1974 को दो जुड़वे बच्चों का जन्म हुआ। मां ने बड़े प्यार से बड़े वाले का नाम लव और छोटे का नाम कुश रखा। उन दिनों किसे पता था कि सिर्फ 24 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़ के चले जाने वाला वो वीर सदा सदा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो जाएगा। विक्रम को शुरू से ही लाइफ में कुछ अलग करने का जुनून था। हालांकि 1997 में उन्हें मर्चेंट नेवी से नौकरी की कॉल आई थी। घर पर सब बहुत ही खुश थे। हांगकांग में नौकरी और फौज से करीबन 3 गुना ज्यादा सैलरी का ऑफर भी था। लेकिन अपने देश के लिए कुछ करने की चाह रखने वाले विक्रम हमेशा से आर्मी जाने की इच्छा जाहिर की और 6 दिसंबर 1997 को विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना के अफसर के तौर पर शपथ ली। जब युद्ध छिड़ा तब तो फौज में लेफ्टिनेंट विक्रम को सिर्फ 18 महीने ही हुए थे। उन्हें अपने यूनिट के साथ उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर रिपोर्ट करने का आदेश मिला, लेकिन आखिरी लम्हों में निर्देश आया कि उन्हें कारगिल जाना है। कारगिल जाने से पहले विक्रम ने अपनी माँ से बात की। माँ को मन ही मन थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन अपने मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर भी तो सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है, ये सोच विक्रम को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। उधर दूसरी तरफ युद्ध भीषण रूप ले चुका था। पाकिस्तानी मिलिटेंट ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे। उन चट्टानों पर चढ़ाई करना जहां ऊपर से दनादन गोलियां बरस रही हो और छिपने की कोई जगह तक ना हो, ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सलाम है ऐसे भारत के वीरों को जिन्होंने मौत की परवाह किए बगैर खून की आखिरी बूंद तक मातृभूमि का कर्ज अदा किया। दोस्तों तोलोलिंग की भयावह पहाड़ियां, जिनकी ऊंचाई थी करीबन 16,500 फीट, दुश्मन इन पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे। भारतीय फौज के लिए पलटवार करना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। करीबन 10 दिन के बाद ये जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर्स के साथ साथ 2 राजपुताना राइफल्स को भी सौंपी गई। कई दिनों के भीषण युद्ध के बाद जब 13 जून को तोलोलिंग की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया तो उसकी अमूल्य कीमत भारत को 7 जवान और 1 अफसर की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी। तोलोलिंग में जो कुछ चल रहा था उसे सुन सुनकर लेफ्टिनेंट विक्रम और उनकी फौज जंग के आदेश के लिए छटपटा रहे थे। 19 जून ये वो दिन था जब लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जामवाल को 2 टुकड़ियों की कमान सौंपकर जंग में उतरने का फरमान सुनाया गया और एक बेहद ही कठिन, नामुमकिन सा प्रतीत होने वाला मिशन का ऐलान कर दिया गया। टारगेट था 0.5140। घोर अंधेरी रात में 500 मीटर की खड़ी चढ़ाई
उस पर से हथियारों के साथ करीबन 20 किलो से भी ज्यादा का वजन। दोस्तों खतरा ये था कि अगर सुबह होने से पहले चढ़ाई पूरी नहीं हुई तो फिर दुश्मनों के नजर से बचना नामुमकिन था। भारतीय जवान दुश्मनों के काफी करीब पहुंच गए। चोटी के दो तरफ से दुश्मनों पर लेफ्टिनेंट बत्रा की टुकड़ियां कहर बन के बरसी। लेफ्टिनेंट बत्रा सबसे पहले एक बड़े से बंकर में ग्रेनेड फेंक कर आमने सामने के जंग का ऐलान कर दिया। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई। दुश्मनों के बंकर धू धू करके जलने लगे। इस युवा अफसर की दिलेरी देख सैनिकों का जोश दहाड़ मार रहा था। उस अंधेरी रात में पहाड़ की चोटी गोली बारूद की रोशनी में जगमगा उठी थी। यहां तक कि लेफ्टिनेंट बत्रा ने बिना बंदूक के हैंड टू हैंड फाइटिंग में चार दुश्मनों को ऊपर पहुंचा दिया। जब विक्रम बत्रा ने 0.5140 कैप्चर किया तब उनके कमांडर ने पूछा कि फतह मिलने पर विक्रम कैसा महसूस कर रहे हो। जीत की जोश में विक्रम बत्रा ने जवाब दिया, सर ये दिल मांगे मोर। ये बेमिसाल जीत की तस्वीरें समूचे देश ने देखी। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट बत्रा से बात की और रणभूमि पर ही विक्रम बत्रा का प्रमोशन हो गया। वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा हो गए। दोस्तों एक फौजी के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या ही हो सकता है। मातृभूमि की रक्षा करने का एक और सुनहरा अवसर कैप्टन विक्रम और उनकी टीम को नसीब हुआ। सामने था मिशन विजय। दूसरी टीमों के साथ विक्रम बत्रा की टीम भी रवाना हुई। निकलने से पहले उन्होंने आखिरी बार माँ से बात करते हुए कहा था कि माँ मैं एकदम फिट हूँ, तुम फिक्र मत करना। दरअसल तेज बुखार से जूझ रहे कैप्टन विक्रम बत्रा को युद्ध में न जाने की सलाह दी गई थी। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी। उसी खराब मौसम में तेज बुखार से जल रहे बदन को आग के शोलों में तब्दील कर अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का निर्णय लिया। सैनिकों ने जैसे ही ये खबर सुनी कि कैप्टन विक्रम मिशन पर जा रहे हैं उनका जोश कई गुना बढ़ गया। मिशन की आधी जीत तो तभी लिखी जा चुकी थी। 0.4875 पहाड़ी की चढ़ाई एकदम खड़ी थी। करीबन 80 डिग्री का स्लोप था। उस घनघोर काली रात में भारी बर्फबारी हो रही थी। चढ़ाई नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन विक्रम बत्रा तो मानो पाकिस्तानियों का यमराज बनकर आए थे। शेर शाह के नाम से विख्यात कैप्टन विक्रम बत्रा उजाला होने से पहले तीन गन पोजीशंस को खामोश कर दिए। अचानक कैप्टन बत्रा की आंखों ने एक घायल सिपाही को देखा जो मुश्किल से खुद को दुश्मन के फायरिंग से बचा पा रहा था। कैप्टन बत्रा ने अपने कमांडर सूबेदार रघुनाथ सिंह की ओर रुख किया और उन्होंने बोला कि आप और मैं दोनों मिलकर इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। जैसे ही सूबेदार मेजर रघुनाथ सिंह विक्रम बत्रा से एक कदम आगे निकलना चाहा तभी कैप्टन विक्रम बत्रा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रघुनाथ तू बाल बच्चे वाला है, पीछे हट जा, मैं इवैक्यूएट करूंगा, तुम सिर्फ कवर फायर दो। इतना कहकर कैप्टन विक्रम बत्रा आगे निकल गए। ज्यों ही कैप्टन विक्रम बत्रा बंकर से बाहर निकले दुश्मन की एक गोली सीधे उनके सीने में जा लगी। मानो युद्ध भूमि की दहाड़ को उस भयानक पल का सन्नाटा निगल गया हो। सांस जैसे सीने में दब सी गई हो लेकिन फिर भी आखिरी सांस तक उन्होंने गोलियां बरसाना बंद नहीं किया। परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा वहीं घुटनों के बल बैठकर गोलियां चलाते रहे। ये देख भारतीय सिपाहियों में ऐसा गुस्सा आया कि पूरी पहाड़ की चोटी को नेस्तनाबूद कर दिया। दुश्मनों को ललकारते हुए ये भारत माता के वीर सपूत एक के बाद एक पाकिस्तानी बंकरों को आग के हवाले करते चले गए। गोली बारूद की आवाज भी भारत माता की जय पुकार रही थी। जीत एक बार फिर से हिंदुस्तान की झोली में गिरी। चोटी पर शान से लहराता हुआ तिरंगा मानो अपने वीरों के शहादत पर गर्व कर रहा था। विक्रम बत्रा के शहादत के ठीक 18 दिन बाद कारगिल की जंग खत्म हो गई। वो सूरवीर कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहेगा हमारी सम्मान में, हमारी आजाद हवाओं में, कश्मीर की आजाद पहाड़ियों में, भारत के स्वर्णिम शौर्य गाथाओं में और हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में। दोस्तों आपको क्या लगता है, परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की जीवनी पर बनने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।